पानीपत की खबर देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। मैं आर्य श्वेत मलिक, पुत्र श्री जयपाल मलिक, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। के निर्वाह करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्ष स्नेह या विनय के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात आज शपथ समारोह था, हम सब ने शपथ ली है। TCO साहब का धन्यवाद बहुत बहुत। आज जिस तरह से हरियाणा में जो चुनाव हुए थे और उनका रिजल्ट भी आ चुका था, आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था और जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा भी संबोधन किया गया और उसमें किस तरह से आगे कार्य करने हैं, विकास कार्यों को लेकर जो नीतियां हैं उनके बारे में भी बताया और निश्चित तौर पर जो सभी सदस्य चुनकर आए हैं वो अपना अपना कार्य अच्छे प्रकार से करें। आज माननीय उपायुक्त महोदय और MP संजय भाटिया जी के नेतृत्व में हम वार्ड नंबर 17 की जनता के लिए मैंने शपथ ग्रहण की है और शपथ के माध्यम से विश्वास दिला है कि मैं अपने वार्ड का प्रत्येक कार्य सत्य निष्ठा मेहनत और बिना किसी भेदभाव के करूँगा और इस शपथ पर खरा उतरूँगा। बहुत अच्छा आ रहा है आज का दिन, आज शपथ ली है और हम सच्ची निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगे गांव में। जो व्यस्त है इस वार्ड से, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ नरेश कुमार, और अच्छी तरीके से सबके साथ मिल के, गाँव के साथ मिल के सब अच्छी तरीके से चेयरमैन का जो भी मैं दावेदारी भी करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। मैं सबसे पहले मैं अपने CM साहब, मान्य CM साहब हरियाणा खट्टर साहब और अपने MP साहब संजय भाटिया जी और हमारे महिपाल डंडा जी विधायक जी जिन्होंने हमें शपथ दिलाई है, DC साहब, सबको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जितने हमारे पार्षद आए थे सभी को, सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पार्षद चुन के आए हैं वो सारे युवा नहीं हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, एजिड भी हैं। ये नहीं कह सकते आप युवा का दौर है, दौर सभी का, युवा कोई अलग नहीं है, पर युवा ज़्यादा चुन के आ रहे हैं तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे।